नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप YouTube और Facebook पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, जो कि सेम टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Vimix सॉफ्टवेयर से मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। लो और हाई पीसी दोनों का बीट रेट और फ्रेम रेट बताऊंगा कि आप किस क्वालिटी में रखें, जिससे कि आपका स्ट्रीमिंग स्मूथली चले, आपको लैग वगैरह बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। आपका मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 Mbps इंटरनेट है, उस कंडीशन में आप क्या बीट रेट रखें, क्या क्वालिटी पे सेट करें, जिससे कि आपका स्मूथली चले। अगर आपका मान लीजिए कि हाई क्वालिटी आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, 300-400 Mbps, उस कंडीशन में आपको बीट रेट और वीडियो की क्वालिटी क्या रखना चाहिए, तो चलिए हम सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप हाई क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना होगा। यहाँ पे हम वीडियो का फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे। अगर आप लो क्वालिटी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मेट इसका देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम प्रेजेंट में 720 पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा नॉर्मल है। अगर उससे भी कम है, आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है, i3 है या i5 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि सेकेंड या थर्ड जनरेशन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर सकते हैं या 29। अगर ग्राफिक्स कार्ड आपका अच्छा ना हुआ तो, अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम का बेटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1080 पे ही रखें नॉर्मली। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड 100 Mbps है तो ही आप 1080 पे रखें, उससे कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 720 पे रखें, नॉर्मली आपका चल जाएगा। अगर 10 Mbps है फिर भी आपको बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हाई क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 4K सिलेक्ट करना पड़ेगा। NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है जो कि DDR6 है और 16 GB रैम है, तो आप यहाँ पे 4K पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना, बस इंटर कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आते हैं हम स्ट्रीमिंग सेटिंग के पास। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रीम के बगल में हमें सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, तीन आप लाइव स्ट्रीम एक साथ कर सकते हैं, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों पे आप एक साथ ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, दोनों एक साथ ही। तो इसकी क्वालिटी भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी दिया हुआ है, जो कि आपने अभी यहाँ पे इसका आउटपुट का क्वालिटी चेंज किया है। अभी हम स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बढ़ाएंगे, तभी जाकर के हमारे YouTube और Facebook पे जो जाएगा वह इसमें चेंजेस होगा। यहाँ पे चेंजेस करने के लिए नॉर्मल अगर हमें स्ट्रीमिंग करना है, हमारा जो कि इंटरनेट स्पीड 10 Mbps है या 5 Mbps है, तो उसमें उस कंडीशन में आपको 1.5 Mbps ही सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको बफरिंग वगैरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका इंटरनेट स्पीड मिनिमम से मिनिमम 20 या 25 Mbps हो, तभी आप स्ट्रीमिंग कर पाएंगे स्मूथली। उस कंडीशन में आप 1.5 Mbps ही सिलेक्ट करें। अगर आपको नॉर्मल आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आप यहाँ पे 2.5 पे जा सकते हैं। हाई क्वालिटी के लिए आपको बता दूँ कि अगर आप हाई क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते हैं 13 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, अपने इंटरनेट स्पीड के अनुसार। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर नॉर्मल स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पे 5 Mbps तक जा सकते हैं, 6 Mbps तक। नॉर्मल स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो 2.5 पे करें, आपका अच्छे से स्ट्रीमिंग जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं 1.5 Mbps पे हम स्ट्रीमिंग करेंगे, जो कि यूट्यूब का हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत ही लो है, तो यहाँ पे हम 1.5 पे कर देंगे। अब आते हैं हम अपना फेसबुक पे, तो चलिए अभी हम यहाँ पे यूट्यूब का स्ट्रीम की और URL इसमें डाल देते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे आएंगे, अपनी ID आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो लाइव पे जाएंगे। जैसे इस पे आएंगे आप यहाँ पे सबसे पहले शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू स्ट्रीम कर सकते हैं या अपना इसी स्ट्रीम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू स्ट्रीम करेंगे, यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है, जिस भी पर्पज से आप लाइव स्ट्रीमिंग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग डाल देंगे, अब यही चीज़ हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे डेमो के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर मान लीजिए थंबनेल वगैरह आप अपकमिंग में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड कर दें थंबनेल। अब यहाँ पे हम नो कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप टैग वगैरह डालना चाहते हैं जिससे कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग रैंक करे, तो यहाँ पे टैग वगैरह डाल सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अनलिस्टेड करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे। अब जैसे ही हमने डन किया, यहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग और URL हमें
मिल गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम की यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रीम की को पेस्ट कर देंगे। अब चलिए हम स्ट्रीम यूआरएल को भी कॉपी कर लेते हैं। स्ट्रीम यूआरएल को भी हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देंगे। अभी हमारा ये यूट्यूब का कॉपी हो चुका। अब चलिए हम फेसबुक पे चलते हैं। अभी हमारा एक स्ट्रीमिंग जो कि ओके है, अब दूसरी स्ट्रीमिंग पे चलेंगे। दूसरी में भी कस्टम हम RTMP ही यूज करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अभी क्वालिटी हमें सेम अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर इसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जिस क्वालिटी में आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करें उसी क्वालिटी में आप फेसबुक पे भी करें। उससे कि क्या होगा कि आपके बीट रेट और उसमें क्वालिटी में चेंजेस नहीं आएगा, नहीं तो बफरिंग वगैरह प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी। तो सेम क्वालिटी में आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, स्मूथली आपका चलेगा। तो हाई क्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर हाई क्वालिटी में आपको करना है तो यहाँ पे 6 Mbps आप जा सकते हैं। उससे भी हाई क्वालिटी करना है तो आप यहाँ पे 30 Mbps भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1.5 Mbps पे, जो कि फेसबुक का। अब फेसबुक पे अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर अगेन इसमें भी स्ट्रीमिंग और URL को कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लाइव वीडियो पे क्लिक करते हैं। कोई भी नॉर्मल आप फेसबुक पे लाइव करते हैं तो यहाँ वीडियो अपलोड और लाइव का ऑप्शन देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। गो लाइव पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर और वेबकैम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपना कैमरा आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यूज करें जो कि वीमिक सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्वर URL देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रीम की को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रीम की को पेस्ट कर देंगे। और इसे हम चलिए स्ट्रीम URL को भी हम कॉपी करते हैं। स्ट्रीम URL को भी हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेम कर देते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देंगे। अभी दोनों हमारे स्ट्रीमिंग जो कि है इसमें सेव हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस स्ट्रीम पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे दो स्ट्रीम आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे जाएंगे कि इसमें हमारा एक्सीलेंट कनेक्शन दिखाने लगा। अब चलिए हम फेसबुक पर देखते हैं। अगर फेसबुक देखिए हमारा आ गया, और यूट्यूब पे हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया कि नहीं। फेसबुक जो कि हमारा तुरंत ही आ गया। देखिए YouTube पे भी हमारा आने लगा। लाइव हमारा YouTube पे तभी जाएगा जब हम गो लाइव यहाँ से करेंगे, तभी जाकर के हमारा उस पर लाइव जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि टाइटल वगैरह नहीं डालेंगे, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं देगा। आप जब तक गो लाइव नहीं करेंगे आपका Facebook पे लाइव नहीं जाएगा। यहाँ पे आप ऑडिशन सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक है हमारा तो यहाँ पे पब्लिक रखेंगे। आप यहाँ पे जैसे ही टाइटल डालेंगे यहाँ पे ये आपका गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम गो लाइव कर देंगे। अभी हमने गो लाइव किया, ये हमारा लाइव स्ट्रीम जाने लगा फेसबुक पे। आप इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।